भाजपा ने छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनाव आयोग में भी भाजपा ने नकुलनाथ की शिकायत की और कहा कि नकुलनाथ आदिवासी नेताओं के प्रति अपशब्द कह रहे हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंची। बीजेपी नेता सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि आदिवासी नेता कमलेश शाह को अपशब्द कहने के खिलाफ हमने चुनाव आयोग में शिकायत की है। आपको बता दें कि नकुलनाथ ने कमलेश शाह को गद्दार और बिकाऊ कहा है। बीजेपी का कहना है कि नकुलनाथ अपने बयान पर आदिवासी समुदाय से माफी मांगे। मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज नकुलनाथ से पूछता है कि आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करने का अधिकार किसने दिया। आदिवासी समाज इसकी घोर निंदा करता है और जनजाति समाज के हमारे सभी भाई और बहन इसको लेकर नकुलनाथ के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हैं और एट्रोसिटी एक्ट में हम FIR दर्ज कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि भविष्य में नकुलनाथ जैसे नेता अपने ठीक शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं नकुलनाथ जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज आपके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करता है और आपको आदिवासी समाज माफ नहीं करेगा। नकुलनाथ जी, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।